लक्ष्मी ना तो युवराज का हाथ पकड़कर आती है, ना खून पीने वालों के साथ आती है, वो सिर्फ कमल के फूल पर सवार होकर आती है। इसीलिए माँ लक्ष्मी की असीम कृपा असीम गोयल पर बरसे। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने जगाधरी गेट अम्बाला शहर में जनसभा को संबोधित करते हुए ये बात कही। जनसभा के दौरान कांग्रेस के युवराज उनके निशाने पर रहे। इतना ही नहीं, बिना निर्मल सिंह का नाम लिए स्मृति ने एक के बाद एक निशाना भी साधा। करीब 17 मिनट के भाषण में स्मृति ने बहन सुहाग, देशभक्ति और राहुल गांधी पर सबसे ज्यादा बात की। हालांकि राहुल का कहीं नाम नहीं लिया, कांग्रेस के लिए युवराज शब्द जरूर इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस तो केवल जीजा के लिए काम करती है। सरकार में आने के बाद जीजा को कहां पर जमीन दिलानी है, कहां पर कब्जा करना है और केवल इसी पर फोकस रहता है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि आज कांग्रेस वाले मां बहनों की सुरक्षा की बात करते हैं, जो 70 साल में उनके लिए शौचालय नहीं बनवा सके वो हरियाणा को क्या बनाएंगे। कहा कि भाजपा ने सत्ता में आते ही 5 साल के भीतर 11 करोड़ माताओं और बहनों के लिए शौचालय बनवाए, इसलिए आज शौच जाते हुए माताओं और बहनों को शर्मिंदा नहीं होना पड़ता। उन्होंने भूपेंद्र हुड्डा और रॉबर्ट वाड्रा पर कटाक्ष करते हुए कहा कि हरियाणा के लोग मेहनत से कमाना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि जिनका खुद का परिवार बिखरा हुआ है वो जनता को क्या संभालेंगे। इस दौरान भाजपा प्रत्याशी मनीष ग्रोवर ने कहा कि कुछ नेताओं का पिछली बार दिल्ली का फ्लैट छुड़वा दिया था, अब की बार चंडीगढ़ का फ्लैट भी खाली करवा देंगे। मेयर जींद उपचुनाव और लोकसभा में जीत हासिल की है। रोहतक हुड्डा का नहीं, जनता का गढ़ है। भाजपा रोहतक जिले की चारों सीट जीतकर मुख्यमंत्री की झोली में डालेगी। बता दें कि आज हरियाणा में राहुल गांधी ने ताबड़तोड़ प्रचार भी किया। इस मौके पर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने गुरुवार को मोदी सरकार पर सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का अपने यानी कि PSU सूट बूट वाले मित्रों के साथ मिलकर निजीकरण करने का आरोप लगाया। राहुल ने कहा कि वो सरकारी कर्मचारियों के साथ इसके विरोध में कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चीजों को बेचने वाले के संदर्भ में बेचेंद्र मोदी बताया। उन्होंने कहा, बेचेंद्र मोदी देश के PSU का सूट बूट वाले मित्रों के साथ बंदर बांट कर रहे हैं, जिसे देश ने सालों की मेहनत से खड़ा किया है, जिसके बाद स्मृति ईरानी ने कांग्रेस में कड़ा पलटवार किया। ESPN 9 न्यूज रूम की रिपोर्ट।